रूस को चाहिए ठन ठन गोपाल। तापी को लेकर रूस एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है। क्या भारत को सतर्क रहने की जरूरत है या फिर इसमें आगे बढ़ने की जरूरत है? क्या तापी से पाकिस्तान बच सकता है या फिर भारत को फायदा ज्यादा हो सकता है? जानेंगे क्या है मामला। तो वहीं दूसरी तरफ अब श्रीलंका में हथियारों के साथ उतरा भारत, करने क्या जा रहा है? जियोपॉलिटिक्स में धमाल मचा हुआ है। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। तापी, ये जो मैप देख रहे हैं ये मैप है तापी परियोजना का। तापी पाइपलाइन का नाम दिया गया है तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत के नाम पर। यहाँ पर कहीं पर भी आपको रूस नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन ये पाइपलाइन शुरू होगी रूस से ही और रूस से शुरू होकर ये पाइपलाइन चार देशों से होकर गुजरेगी। रूस का एक बहुत बड़ा प्लान है। रूस चाहता था कि इस पाइपलाइन के जरिए दक्षिण एशिया के देशों तक अपने गैस को पहुंचाए। यूरोप में तो उसने कब्जा कर ही लिया था। तापी परियोजना को लेकर उसका बहुत बड़ा रुचि था। वैसे आपको बता दें, एक समय जब नॉर्थ कॉरिडोर, ये जो मैप है, नॉर्थ कॉरिडोर जो ईरान के से होते हुए भारत तक आती है, इसे बनाया गया था, तब दुनिया के देश मजाक उड़ा रहे थे और कह रहे थे भारत और रूस की ये परियोजना काम नहीं करने वाली है, इससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। लेकिन जब रूस यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ, कहते हैं ना कि कभी कभी बुरी चीजें भी किसी के लिए अच्छी हो जाती हैं, और ऐसा ही हुआ। ये एक ऐसा वक्त हुआ जब इस रूट ने रूस के लिए बहुत बड़ा काम किया, और न सिर्फ रूस बल्कि भारत के लिए भी। इस रास्ते से रूस ने तगड़ा वाला व्यापार किया, भारत तक ये व्यापार फैला और बहुत ज्यादा फायदा मुनाफा नॉर्थ कॉरिडोर से हुआ रूस को, भारत को भी हुआ, क्योंकि व्यापार साझेदारी की होती है। और इस रूट ने समय भी बचाया, पैसे भी बचाए, तो नॉर्थ कॉरिडोर सफल हो गया, ये चीजें साफ साफ देखने को मिली। अब रूस का दूसरा प्लान जो था, उस वक्त ऐसा था कि ढीला ढाला चलता था। अच्छा, किसी ने किया किसी ने नहीं किया, तापी परियोजना शुरू हुई लेकिन फिर जाकर रुक गई, पाकिस्तान ने उस पर ध्यान नहीं दिया, कभी भारत ने उस पर ध्यान नहीं दिया, बहुत सारी ऐसी चीजें हुई। पर रूस अब चाहता है कि इस परियोजना पर काम किया जाए, इस परियोजना को आगे बढ़ाया जाए। वैसे आपको बता दे, रूस इसे किस हद तक पूरा करना चाहता है उसको ऐसे समझिए, रूस जो पहले से ही चीन तक एक अलग गैस पाइपलाइन का निर्माण कर रहा है, ऐसे में तापी पाइपलाइन के लिए अरब सागर तक रूस सीधे पहुंचना चाहता है। रूस के राजनेता अधिकारी इन दिनों लगातार अफगानिस्तान से लेकर पाकिस्तान और भारत का दौरा कर रहे हैं। पाकिस्तान तुर्कमेनिस्तान को मनाने में जुटा हुआ है कि आप मान जाओ, आपको अगर कोई टेंशन लग रही है तो हम भारत के साथ मिलकर तापी परियोजना के लिए एक खास सैन्य टुकड़ी भी देंगे, ताकि किसी तरीके से कोई दिक्कत न हो। आपको बता दें, अफगानिस्तान को भी मनाने की कोशिश हो रही है। वैसे तो अफगानिस्तान का भी इसमें फायदा है, पाकिस्तान का भी फायदा है, क्योंकि जहां जहां से ये पाइपलाइन जाएगी, एक तो उन्हें ऊर्जा मिलेगा अलग, दूसरा उन्हें रेंट मिलेगा अलग। फिर टेंशन किस बात की है? टेंशन इस बात की है कि अफगानिस्तान में कुछ भी स्थिर नहीं है। ये पाइपलाइन शायद कब का बन जाता, लेकिन ये पाइपलाइन अभी बनने वाला दिख नहीं रहा है। तालिबान अब इसमें रुचि दिखा रहा है और तालिबान ये कह रहा है कि सुनो, हम तापी परियोजना को सुरक्षा देंगे, 30,000 सदस्यों वाली फोर्स को हम तैनात करेंगे जो तापी परियोजना को सुरक्षा देगा। 2018 में तापी पाइपलाइन के निर्माण का काम शुरू हुआ था, लेकिन सुरक्षा कारणों से इसे तुरंत बंद कर दिया गया था, क्योंकि इस समय पाइपलाइन में काम कर रहे मजदूरों को अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी, जिसके बाद बड़ा हंगामा मचा था और इस हंगामे के बाद तापी पाइपलाइन को बंद कर दिया गया था। पर अब एक बार फिर रूस चाहता है कि तापी परियोजना को शुरू किया जाए। पाकिस्तान को ऊर्जा और पैसे मिलेंगे तो एक नया जीवन दान मिल जाएगा, लेकिन ये बात भी सही है कि भारत तक ऊर्जा का डायरेक्ट स्रोत हो जाएगा। खैर, भारत अब इस पर क्या निर्णय लेता है वो तो समय बताएगा, पर अफगानिस्तान
अफगानिस्तान का कोई भरोसा है नहीं। फिलहाल के लिए ये परियोजना शुरू भी हो जाती है तो अफगानिस्तान एक ऐसा देश है जहां कभी भी बहुत ज्यादा स्थिरता नहीं रही है। ऐसे में ये परियोजना बहुत लंबा चलेगा ऐसा लग नहीं रहा है। अफगानिस्तान को बायकॉट करते हुए अगर कोई रास्ता हो तो भले रूस सोच सकता है, क्योंकि अफगानिस्तान का इतिहास इतना बड़ा है और उस इतिहास में यही है कि ये देश कभी स्थिर रहा नहीं है। यहाँ गुटबाजियां हैं, अभी ही बहुत जगह धमाके हो रहे हैं अफगानिस्तान के अंदर। हाल ही में एक लीडर के मरने के बाद उसका नमाज वगैरह अदा कर रहे थे, वहां पर एक धमाका हुआ, मस्जिद में ये धमाका हुआ, 13 लोग मारे गए। तो जिस देश में अभी हालात ऐसे हैं, उस देश में तापी परियोजना सफल होगी वैसा दिख तो नहीं रहा है। खैर, जहाँ एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ भारत ने एक और बड़ा धमाका करना शुरू कर दिया है, और ये धमाका कहीं और नहीं बल्कि भारत ने पड़ोस में करना शुरू कर दिया है। वैसे इस वक्त बहुत दिन हो गए श्रीलंका के दिवालिया हुए, उसके बाद की स्थिति क्या है तो आपको बता दें, श्रीलंका IMF के लोन मिलने के बाद थोड़ा बहुत स्थिति को संभाल रहा है, पर ऐसा नहीं है कि आप सोचेंगे चाइना का यहाँ पर प्रभाव खत्म हो गया है। चाइना का प्रभाव इस वक्त खत्म नहीं हुआ है, चाइना ने अपना प्रभाव यहाँ पर बनाकर ही रखा हुआ है, और ये प्रभाव तभी खत्म होगा जब चाइना से पूरी तरीके से कर्ज मुक्त होगा श्रीलंका। वैसे भारत की बात करें तो भारत बहुत मदद कर रहा है। श्रीलंका के इनकम का सबसे बड़ा सोर्स क्या है तो आपको बता दें, श्रीलंका के इनकम का सबसे बड़ा सोर्स है उनका पर्यटन, यानी एक बड़ी कमाई आती है जब टूरिस्ट श्रीलंका घूमने आते हैं, और महामारी के बाद ये चीजें बंद हो गई थी। और दूसरी बात ये भी है कि उसके बाद ये दिवालिया हो गए, दिवालिया होने के बाद यहाँ जिस तरीके से हिंसा फैली, अंतर्राष्ट्रीय जगत से लोग यहाँ आने से आनाकानी करने लगे। भारत ने आर्थिक मदद तो की ही है, पर श्रीलंका को अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए भी भारत सरकार ने मदद की है। चेन्नई से श्रीलंका पहुंचा एक बड़ा भारतीय जहाज, अंतर्राष्ट्रीय जहाज जो खास तौर पर पर्यटकों को लेकर पहुंचा है, यानी भारत दुनिया को भी ये दिखा रहा है कि देखो श्रीलंका में सब कुछ ठीक है, आप आ सकते हो, घूम सकते हो यहाँ पर, और दूसरा पर्यटन को भी बढ़ावा दे रहा है। मामला सिर्फ इतना ही तक नहीं रुका हुआ है, श्रीलंका के साथ हम रुपए में व्यापार कर रहे हैं। अब भारत ने, बेल ने, यानी कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने, जो भारत की डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी है, श्रीलंका में अपने हथियार उतारे हैं। इंडिया श्रीलंका डिफेंस सेमिनार को आयोजित किया गया है, जिसमें बड़ी मात्रा में भारत ने अपने कई हथियारों को उतार कर शोकेस किया है। भारत चाहता है कि रडार हो, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम हो, कम्युनिकेशन इक्विपमेंट्स हो, नेवल सिस्टम हो, इन चीजों को श्रीलंका खरीदे, यानी श्रीलंका के डिफेंस मार्केट में धीरे धीरे भारत घुस रहा है। भारत हालांकि पहली बार गलती कर चुका है, जब हमन टोटा को लीज पर देने की बात थी, श्रीलंका ने भारत से भी बात की थी, उस वक्त भारत ने लीज पर नहीं लिया था, जिसके बाद श्रीलंका ने चाइना को दे दिया था, और उसके बाद कई ऐसी सरकारें भी आई जो चाइना के समर्थन में रही श्रीलंका के अंदर। अब धीरे धीरे भारत श्रीलंका में अपनी बढ़त को आगे कर रहा है। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।